अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट खालिद खान आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अमराज और इलाज लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे साथ मौजूद रहते हैं डॉक्टर यासिर अराफात साहब, स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड को ख़त्म करने से पहले नाज़रीन से वादा किया था कि हम नामर्दानगी के ऊपर इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, इस बीमारी से रिलेटेड जितने सवालात हैं, जो इश्कालात हैं, जो डाउट्स हैं, उनको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे और क्लियर करेंगे। आप डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि नौजवानी के अंदर जो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जो गलत आदतों में नौजवान पड़ जाते हैं, जिसे साफ अल्फाजों में कहूँ वो मुस्तज़नी करने लगते हैं और उसके वजह से जो कमज़ोरी आती है, तो डॉक्टर साहब ये कमज़ोरी कहाँ तक नुकसान पहुँचाती है इंसान को? सबसे पहली बात यह है कि एक ज़माना था जिसके अंदर यूट्यूब नहीं था या कोई भी जो है इंटरनेट वगैरह अवेलेबल नहीं था, तो ऐसे वक्त में जो लोग जाहिर से बात है सिर्फ कुछ नावल पढ़ते थे, इसके अलावा उनको कुछ भी नॉलेज नहीं रहता था। मगर आज का जो दौर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है, और बस उनको टाइप करके क्लिक करना बाकी रहता है, हर चीज़ उनके सामने अवेलेबल होती है। तो नौजवानों के अंदर भी जो हमारे पास एजुकेशन है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ना इल्मी की वजह से ही हमारे बहुत से यानी अक्सर नौजवान गलत कामों में मुलव्वस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो मास्टरब्यूशन करते हैं, कई डॉक्टर्स के इंटरव्यूज मैंने देखा है, वो कहते हैं कि कोई भी मास्टरब्यूशन कर सकता है, ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। मगर हमारे पास प्रैक्टिकली, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वालिद साहब के साथ तकरीबन मैं 20-25 साल से जो है बैठा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस में उनके साथ, तो ये बात क्लियर है कि जो भी नौजवान जो है मास्टरब्यूशन करते हैं, उनका इफेक्ट शादी के बाद की लाइफ पे होता है। ज़्यादातर मास्टरब्यूशन करने की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में पेशेंट मुलव्वस हो जाता है, जैसे डिप्रेशन में चला जाता है, कमज़ोर, अपने आप को बहुत कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, आँखों मतलब रौनक चेहरे से ख़त्म हो जाती है, आँखें अंदर चले जाती हैं और ऐसा लगता है कि टीबी का मरीज़ है। तो ये चीज़ें अलामतें ज़ाहरी तौर पर होती हैं, बट अंदरूनी तौर पर उसके अंदर जब शादी के बाद बीवी से जब मिलना चाहता है तो वो खौफ कभी भी लगा रहता है कि मैंने ज़िंदगी में मास्टरब्यूशन किया है। अब जाहिर से बात है, जो शख्स मास्टरब्यूशन का मज़ा लग गया, वो लोग बीवी से जब मिलते हैं, जब उनको वो उतना मज़ा नहीं आता है, तो फिर वो बाद में शादी के बाद भी मास्टरब्यूशन की तरफ ही चला जाता है, जिसकी वजह से अजवाजी ज़िंदगी जो है एक हद तक जो है ख़राब हो जाती है। इसके अलावा फैमिली ज़िंदगी जो जी, इसके अलावा जो सेमेन जो होता है, ये अल्लाह सुबहान अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, इस वजह से क्योंकि जो सेमेन से ही औलाद होती है, खून से नहीं होता, बलगम से नहीं होता, सफरा या सौदा से नहीं होता, बल्कि औलाद होने के लिए अल्लाह सुबहान तआला ने जो है ये सेमेन को रखा है। और ये सेमेन का एक खतरा बनने के लिए तकरीबन 300 खतरे खून के बनने ज़रूरी हैं। अब 300 खतरे खून के बनना है तो आपको उतने लेवल की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, फ्रूट्स और वेजिटेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा तब जाके। जब जाहिर सी बात है कि जब ये मास्टरब्यूशन करके, एक होता है नेचुरली निकल जाना जिसको इंजाल कहते हैं, नाइट फॉल कहते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई मर्द है जिसकी शादी नहीं हुई या वो बीवी से दूर रहता है, तो जो है 4 दिन में 1 मरतबा, 5 दिन में 1 मरतबा नाइट फॉल हो जाता है, ये नेचुर है। क्योंकि जो टेस्टिस की जो कैपेसिटी है तो वो तकरीबन 3-5 ml की है, इससे ज़्यादा जो भी प्रोड्यूस होगा वो तकरीबन जो है नाइट फॉल जो है ख्वाब के ज़रिए से कुछ आके वो निकल जाता है, ये नॉर्मल है। मगर 1 दिन में 2 बार या 3 दिन में 1 मरतबा इस तरीके से हाथ से रगड़ के जो निकालते हैं, जिसको मास्टरब्यूशन कहते हैं, ये असल में जो है खुद के आज़ा को भी नुकसान पहुंचाएगा और जो सेमेन ज़्यादा निकलने की वजह से जो है काफ़ी हद तक कमज़ोरी आ जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी बताया नाइट फॉल 3-4 दिन में अगर होता है, 5-6 दिन में होता है, हफ्ते में एक बार होता है, तो ये नॉर्मल है, हो सकता है एक आदमी को। अगर किसी को नाइट फॉल कंटिन्यूसली होने लगे तो उसको इलाज करना पड़ेगा। तो जाहिर से बात है कि नाइट फॉल इस वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके सेक्स हार्मोन्स जो है काफ़ी हद तक बढ़े हुए घुस कर रहे हैं, इस वजह से वो ऐसा लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो गंदी मूवी देख रहा होगा या कोई औरतों को छू रहा होगा या किसी को फ़ोन में बात कर रहा होगा, मतलब जिनसी जो सेक्स का जो हार्मोन्स जब बढ़ जाते हैं तब वो रात में वही चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड से फिर आते हैं ख्वाब की शक्ल में, तो फिर वो निकल जाते हैं। तो जाहिर से बात है कि मतलब वो अस्बाब का इलाज करना पड़ेगा। इसी वजह से अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया
कि जो है तीन वक्त के अंदर देरी नहीं करनी चाहिए। अगर एक औरत है, अगर वो जवान है, तो इमीडिएटली जैसे ही बालिग हुई उसको निकाह कर दें। इसी तरीके से नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ लें। इसी तरीके से जनाजा कोई मर जाता है उसको दफन कर दें। तो मर्दों के अंदर भी यही है कि जैसे ही वो बालिग हो गया है उसका निकाह कर दें। अब हमारे पास एक रिवाज चल गया है कि मतलब कहते हैं कि नहीं, इसको कमाना पड़ेगा, इसकी जो है एक बिल्डिंग बननी पड़ेगी, एक अपार्टमेंट होना चाहिए, इसके पास एक गाड़ी होना चाहिए बीवी को लेके जाने के। ये इतना बड़ा प्लान करके माँ बाप बच्चों की शादी नहीं करते, सही वक्त में निकाह नहीं करते, तो वो गलत रास्ते में चला जाता है, नहीं तो चार पांच गर्लफ्रेंड के पास रहता है और वो कभी सुधरता नहीं और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। और ये पैसे कमा के बड़ा हो तक तब उसके अंदर सब कुछ रहता है बट उसके अंदर मर्दानगी नहीं रहती जी। और वो उसके बाद क्या करता है, हकीमों के चक्कर में पड़ता है या डॉक्टरों के चक्कर में पड़ता है। और जो है तब शादी करने के बाद जब औलाद नहीं होती है या बीवी से सही मिल नहीं सकता है, तब जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और जाके सुसाइड कर लेता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या ये मुस्तज़नी करना या हस्तमैथुन करना क्या कोई बीमारी है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? देखिए, ये असल में जो सेक्स जोत भी होता है ये साइकोलॉजिकली है तकरीबन। अगर समझो कोई लड़की कम कपड़े पहन के भी जा रही है, अगर आपके मूड नहीं है, आपने उसको गौर नहीं किया, तो आपके कोई सेक्स हार्मोन काम नहीं करेंगे। अगर कोई लड़की पूरे पर्दे में है मगर आपका इंटेंशन कुछ और है, एकदम मूड एकदम ठीक है आपका, फिर तो कहीं ना कहीं आपके सेक्स हार्मोन जो है फॉर्म होंगे। ये 100% साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्योंकि हर आदमी एक बैठा हुआ है, कोई थिएटर देख रहा है, कोई पिक्चर भी देख रहा है, तो सारे लोग बैठे हुए हैं। कुछ लड़के क्या करते हैं, कुछ आजा को खास देखते हैं ताकि उसको हार्मोन। कुछ लोग होते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं करते। ये सारे चीजें जो है साइकोलॉजिकल ही है। अगर वो मायूस होता है, मास्टर्बेशन करता है, तो भी कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाता है बाद में। तो सब ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये मैं ये कहूंगा कि एक तरह की बीमारी है ये, तो इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? यूनानी हकीम के पास दुनिया भर के दवाएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शायद एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं है, क्योंकि मैंने जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन किया है MD 3 साल, इसी स्पर्म्स के ऊपर मैंने रिसर्च किया है। और मैंने सेलेक्ट लोगों ने मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब आप अलग अलग टॉपिक छोड़ के आप स्पर्म्स के ऊपर क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन जिसको कहते हैं मॉडर्न मेडिसिन, एक स्पर्म बढ़ा नहीं सकते, मगर यूनानी हकीमों के पास इतने अच्छे नुस्खे हैं, बेसिक नुस्खा भी दे दो स्पर्म बढ़ जाता। अच्छा, माशाल्लाह। तो इस वजह से माशाल्लाह जो है यूनानी के अंदर मैंने MD इसी वजह से उसके अंदर किया। इसके अलावा जब हकीम के पास जाते हैं तो उसको काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है, पहली प्रॉब्लम का सॉल्व करना। अगर बीवी रहेगा तो क्यों मास्टर्बेशन करेगा, तो सही वक्त पे जब शादी हो जाती है तो अपने आप वो मास्टर्बेशन से बच जाएगा। अब जाहिर से बात है अकेला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकेला जो है वो बोलते ना शैतान का घर है, चाहे वो दिमाग हो चाहे वो रूम हो। जब वो अकेला रहता है तो ही नेगेटिव चीजें आती हैं। वो अपने फैमिली के साथ रहे, फैमिली के साथ बात करें, तो फैमिली भी जो है फ्रेंडली उनको जो है उसकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि भाई इसके ताल्लुक से हमें डिस्कस ही नहीं करना है, बात ही नहीं करना है, तो वो अंदर से घुटता चला जाता है। कोई खुलकर ये नहीं कह सकता कि मुझे जो है शादी की जरूरत है, या मेरा शादी करा दो या निकाह करा दो मेरा, ये वो लड़का नहीं कह सकता है। तो इस वजह से वो गलत रास्ते में चला जाता है। काउंसलिंग के साथ साथ दवाएं, दवाएं बेहद बेहतरीन दवाएं हैं, जो एंटी डिप्रेशन के लिए भी दे सकते हैं, और सेमेन जो लॉस हुआ है, या पेशाब में कई मर्द हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम पेशाब करते हैं तो सेमेन उससे निकल जाता है। कितनी बुरी चीज है, नमाज में खड़े होते हैं सेमेन निकल जाता है, जिसको जिरियान कहते हैं। जिरियान के लिए यूनानी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। तकरीबन 15 दिन एक महीना भी खाएगा तो उसे वो, जब जिरियान अच्छा होना शुरू हो जाएगा फिर उसकी बॉडी रिकवर होना शुरू हो जाएगी, और उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी बाद में इंशाल्लाह उसको इंक्रीज करने के लिए अभी यूनानी के अंदर बहुत अच्छी दवाएं अवेलेबल है। डॉक्टर साहब किस टाइप की गिजाएं लोगों को लेना चाहिए जो लोग इस प्रॉब्लम के अंदर मुलव्वस हो जाते हैं? खजूर बेहतरीन चीज है। इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट्स लेंगे वो सब जो है कुव्वत बाकी एज ए मेडिसिन काम करेंगे, जिसको गिजाए दवाई यानी ऐसी गिजा जो दवा के तौर पर काम करती है। सबसे अच्छा खजूर है, खजूर से एक हलवा बनता है जिसको माजून आरत खुरमा, आरत खुरमा खजूर को कहते हैं, आरत खुरमा बेहतरीन दवा है, इसको ले सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, पर्टिकुलरली कोई चीज नहीं है। ओके, सिंघाड़ा एक फ्रूट आता है खासकर UP के अंदर रहता है जो पानी के अंदर, उसी के ऊपर मैंने रिसर्च किया था। तो सिंघाड़ा बेहतरीन दवा है, बेहतरीन गजा भी है और दवा भी है।
ओके डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि सीमेन के अंदर स्पर्म कम हो जाता है, आपने बताया, तो इसकी जो मजबूती जो होती है, जो जिस लेवल की मजबूती इसमें होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं, मैं अजा के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, अजा की डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो जो मास्टरबेशन करने के बाद में जो कमजोर हो जाता है, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो वाइफ के पास अपने पास जाके उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके, तो क्या कुछ ऐसा भी इलाज हो सकता है? देखिए, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट तो अब बेहतरीन दवा है। देखिए, यूनानी के अंदर मोलोदे मनी के लिए दवा देते हैं, इन्हें सेमेन को बढ़ाने के लिए, पैदा करने के लिए, हाँ। उसको मोलोदे मनी कहते हैं। दूसरा होता है जिसको मुगलिजे मनी कहते हैं, इन्हें सेमेन तो आ गया, अब इसकी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये पानी की तरह रहेगा तो फिर पेशाब से निकल जाएगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा होता है, अगर ये है तो उसके अंदर जो स्पर्म होती है उसकी मोर्टेलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके औलाद होगी, और इसका पीएच वैल्यू अच्छा होना चाहिए। तो इसको जब हम दवा एक फार्मूला बनाते हैं तो सब इसके अंदर मौलूद मनी भी होती है, मुगलिस भी होती है, और सारी चीजों के लिए होती है। जब प्रोडक्शन ऑफ सेमेन अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली इरेक्शन अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो एक्सटर्नल दवाएं भी, रोगन खरातीन के नाम से एक बहुत अच्छी दवा मिलती है, तो वो दवा जो है आजा पे लगाने पे जो है इरेक्शन वगैरह भी जो है काफी अच्छा रहता है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दवाएं फायदा होगा उससे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा सुनने में आया है कि डेली अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने से भी आदमी कमजोर हो जाता है। देखिए, हमबिस्तरी भी जो है एक किस्म की गिजा है। गिजा के माने, जैसा आप गिजा के अंदर एतदाल पैदा करना चाहिए, इसी तरीके से हमबिस्तरी के अंदर भी एतदाल होना चाहिए। इसी तरीके से जो है, आप अगर वाइफ से मिलना चाहिए, नेचुरल नॉर्मल है, तो हफ्ते में 2 मरतबा ये बस है। इससे बढ़ के जितनी मरतबा मिलेंगे, कहीं ना कहीं वो कमजोरी पैदा करेगा। तो मेरी सजेशन है कि अगर कोई नॉर्मल है तो हफ्ते में 2 मरतबा, या मैक्सिमम करें तो हफ्ते में 3 मरतबा, ये रोज मिलना ये जो है सेहत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस मर्ज के बारे में हम लोगों को बताया, इसके इलाज किस तरीके आसानी से हो सकता है वो बताया, अगर कोई इसके अंदर मुलव्विस है तो वो इससे कैसे निकल सकता है वो भी माशाल्लाह आपने बताया। तो नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने हमें जो जो नुस्खे हमें बताए हैं, अगर उन पर हम अमल करते हैं तो ये नामर्दानगी वाला प्रॉब्लम भी हमारा ख़त्म हो सकता है। अक्सर देखने में मुझे ऐसा हुआ है कि लोग छींकते बहुत ज़्यादा हैं, नाक से पानी बहना लगता है, और यहाँ तक कि देखने आया है कि उनके आंखों से भी आंसू आने लगते हैं सर्दी की वजह से, तो क्या ये सिम्टम्स होते हैं साइनस के? तो ज़रा बताइए, इलेबरेट करके आप। एक्चुअली साइनस किसको कहते हैं पहले वो समझ जाएं। जी। हमारा जो स्कल होता है स्किन के अंदर, स्कल के अंदर कुछ सुराख होते हैं, उस सुराख को साइनस कहते हैं। ओके। और वो साइनस के अंदर हवा भरी रहती है। जब दिमाग से कुछ रुतुबातें नीचे की तरफ उतरते हैं और वो इस पोर्स के अंदर, इस सुराख के अंदर जम जाती हैं, और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसको साइनोसाइटिस कहते हैं, इन्फेक्शन। हाँ, इन्फेक्शन इन साइनस। फिर उसके बाद क्या होता है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों को वो नज़ला पीछे की तरफ चला जाता है, और वो बाद में उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। अगर ये साइनोसाइटिस का सही वक्त पे इलाज ना किया जाए तो ये नज़ला नीचे की तरफ उतरता है, इन्हें वो हलक को भी नुकसान करता है, हलक के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं उसको इन्फ्लेम कर देते हैं, इन्फेक्शन पैदा कर देता है जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अगर उस वक्त में आपने सही इलाज नहीं करवाया तो फिर वही नज़ला नीचे जाके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है इन्फेक्शन पैदा कर देता है लंग्स में, तो जिसकी वजह से खांसी आती है, कॉफ। अच्छा। आती है। और अगर उस वक्त में भी इलाज नहीं किया तो फिर वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को चले जाती है, और वहां के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके मुंह को बंद कर देती है, जिसको ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारियां आती हैं, बाद में चल के वो आस्थमा और हर किस्म की बीमारियां उसको मुलव्वस हो जाती है, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, विजिंग आना, आवाजें आना, ये सब आता है। डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या जैसे कि पता चला है मुझे थोड़ा सी जो मैंने रिसर्च की है इसके बारे में, कि कभी कभी नॉस्टल्स उसके बंद होते हैं, एक तरफ नॉस्टल्स खुलता है एक तरफ का बंद होता है, तो ये भी क्या साइनस से रिलेटेड है? ये तो सारे नॉर्मल जितने भी लोग होते हैं, तकरीबन 2 घंटे राइट जो है नॉस्टल से हवा आएगी। अच्छा, और 2 घंटे अच्छा। लेफ्ट में आएगी। अगर आपने कभी गौर नहीं किया है तो प्रोग्राम के बाद आप भी गौर करके देखें। अच्छा। कि दोनों एक साथ कभी भी हवा अंदर आके बाहर नहीं जाएगी, बल्कि 2 घंटे इसमें आएगा फिर 2 घंटे उसमें आएगा। कुछ लोगों को क्या होता है कि ये जो नेजल सेप्टम कहते हैं उसको, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, इसको डेविएटेड कहते हैं। डेविएटेड नेजल सेप्टम में क्या होता है कि एक तरफ पूरा झुक जाने की वजह से यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है,
और यहाँ पर जो है कचरा जम 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 के पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, और जो है खासकर ये रात में लोग जो सोते हैं तो उनको ठीक से नींद नहीं आती, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा नाक के थ्रू अंदर नहीं जाता है, तो वो क्या करते हैं थोड़ा एडजस्ट करके सोने की कोशिश करते हैं, और फिर नींद तो गहरी आ जाती है, जो फिर जब सुबह में जब वो उठते हैं तो पूरी गंदगी एक साथ जमा होता है, जिसकी वजह से सुबह में उठते ही 10 से 15 बार उनको छींकें आना शुरू होती हैं, फिर नाक से नज़ला वगैरह आना शुरू हो जाता है। एक तो ये डेली का मामूल, इसके अलावा कुछ लोगों को एलर्जी होती है, मतलब इतर से एलर्जी, पर्टिकुलरली कोई इतर लगा लिया तो फिर नाक से पानी बहना शुरू हो गया, कुछ लोगों को धूल से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को फ्लेवर से एलर्जी होती है, तो एलर्जी की वजह से भी जो है ये साइनस जो है बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को पता चल जाए कि उसको साइनस है तो उसको किस तरीके का प्रिकॉशंस लेने चाहिए? पहली बात यह है कि अगर वो धूल से उसको एलर्जी है तो धूल से बचना चाहिए, या परफ्यूम से है, कुछ लोगों को जो गुड नाइट वगैरह लगाते हैं रात में मच्छरों को भगाने के लिए, उससे भी लोगों को एलर्जी होती है, छींके नज़ला उससे भी आता है, तो असल में सबब का इजाला तो ज़रूरी है। इसके अलावा जो है यूनानी के अंदर बहुत अच्छी दवाएं हैं इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन जब होता है इसका मतलब इम्यूनिटी पावर कम है, क्योंकि घर में 10 लोग हैं सिर्फ तुम्हें साइनस हो रहा है, 9 लोगों को नहीं हो रहा है, मतलब तुम्हारी कुव्वत मनात कमज़ोर है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे दवाएँ अवेलेबल हैं यूनानी हकीमों के पास। जैसा जोशानदा नज़ला है वो काफ़ी पूरे गंदगी को निकाल देता है, एलोपैथिक में क्या है बंद कर देता है, मतलब सिट्रिजिन ले लिया, लियोसिट्रिजिन ले लिया, तो उससे क्या होता है कि पूरा बंद तो हो जाएगा मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, फिर वो आस्थमा में लेके जाके छोड़ देगी। बेहतर ये है कि अगर गंदगी जमा हो गई है उसको निकालना चाहिए, चाहे वो पेशाब हो, चाहे मोशन हो, चाहे वो पीरियड्स हो, चाहे पसीना हो, चाहे वो नज़ला हो, चाहे बलगम हो, कोई भी चीज़ को रोकना नहीं चाहिए, रिया भी रोकना नहीं चाहिए। लोग समझते हैं कि भाई सब लोग बैठे हुए हैं कैसा रिया को हम पकड़, नहीं, आपको जो है रिया को खारिज कर देना चाहिए। आप साइड में कहीं जा सकते हैं, साइड में जाके रिया आप भी खारिज कर सकते नहीं, कोई भी चीज जैसा इसको रोकने की चीजें नहीं है। इसी तरीके से नज़ला है तो नज़ला आ रहा है तो उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी कहती है कि ये गंदगी जमा हो गई उसको निकलना चाहिए, तो बॉडी खुद उसको जब निकाल रही है तो आप दवा दे के उसको ना रोके। और यूनानी के अंदर हम क्या करते हैं, जब नज़ला आता है तो हमारी दवा खाने से और बढ़ के और निकलती है, और फिर पूरा निकलने के बाद बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। तो ये जो है खाते हुए कुछ दवाएं हैं, जैसा शरबत है, कुछ टैबलेट्स हैं, जैसा हब्बे मरजान बहुत अच्छी दवा है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने, हब्बे शिफा बहुत अच्छी दवा है जो बलगम को सुखाने, ये बेहतरीन दवाएं हैं जिसकी वजह से साइनस के लिए, आस्थमा के लिए, एलर्जिक आस्थमा के लिए, राइनाइटिस के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए बेहतरीन दवाएं हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सब ये साइनस जो है इसमें, इससे मतलब आदमी से परेशान रह सकता है कि ऐसा कुछ भी होता है इसमें जान भी जाने का खतरा होता? जान वगैरह जाने का कोई खतरा नहीं होता, मगर जाहिर से बात है कि मतलब वो रात में ना सो सकता है तो दूसरों की जान जा सकती है, क्योंकि छींकता रहता है तो परेशान वो होते रहते हैं, इसकी फिक्र में जो है वो ये कर सकते हैं, तकलीफ बढ़ जाती है, बहुत परेशान होते हैं कि हर वक्त छींकना, किसी की शादी है दुल्हन है छींकती रहती है, कहीं पार्टी में गए छींकती रहती है, लोगों पे गिरता रहता है, और ना भी हो रात में उठ के अकेले छींकते रहना, ये बहुत तकलीफदार प्रॉब्लम है, बट यूनानी के अंदर माशाल्लाह अच्छी इलाज है इसका, इंशाल्लाह कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को सर के अंदर ना नज़ले की वजह से सर में दर्द भी रहता है, तो ये माइग्रेन क्या चीज़ होती है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है अलग अलग? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ जो सर में दुखता है उसको माइग्रेन कहते हैं, बट वो गलत है। ओके, जिन लोगों को भी साइनस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो है नज़ला जमा होने की वजह से सर में सर वजन हो जाता है और सर में दर्द होता है, तो ये अलग है, जिसको जो है हेडेक कहते हैं। कुछ लोगों को बलगम की गैर एतिदाली की वजह से या गैस बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, दिमाग में रिया बढ़ने की वजह से जो सर में शिद्दत का जो दर्द होता है वो मिजाज की खराबी की वजह से, उसको माइग्रेन कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को गर्दन में कंप्रेशन हो जाता है, L4, C4, C3 के दरमियान में रगें दब जाती हैं और वो जो है सर पे आती हैं और यहाँ तक जो है उन लोगों को जो है दर्द होता है, ये दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे, मोस्टली डॉक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में और वो माइग्रेन में, वो क्या करते हैं पेन किलर दे देते हैं, जिससे सर्वाइकल का पेन भी कम हो जाता है, माइग्रेन का पेन भी कम हो जाता है, मगर बीमारी ठीक नहीं होती, थोड़ी देर के बाद फिर से प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि माइग्रेन का दर्द कौन सा है, साइनस का दर्द कौन सा है, गैस की वजह से भी सर में दर्द होता है वो कौन सा है, सबब का जब इजाला करेंगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा। तो सब पाइल्स के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं? देखिए, पाइल्स जो है तकरीबन दो किस्म का होता है, एक होता है ब्लीडिंग पाइल्स,
जिसको बवासीर कहते हैं, मोशन में जो है जब करता है तो उसमें मोशन में साथ साथ ब्लीडिंग भी आती है, इसको ब्लीडिंग पेल्स कहते हैं। कुछ लोगों को खाली तकलीफ होती है, इसको नॉन ब्लीडिंग पेल्स कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि खब्ज जो होता है, कॉन्स्टिपेशन, ये बीमारियों की माँ होती है। यानी जिन लोगों को खब्ज होगा कहीं ना कहीं उनको हर्निया का प्रॉब्लम होगा, मोशन में प्रॉब्लम होगा, कई किस्म के प्रॉब्लम्स उनको होंगी। ये जो पेल्स जो होता है ये एक छोटा सा ग्रोथ हो जाता है और इसके चार अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। इन्हें फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड के अंदर जब मोशन को धोने के लिए वो हाथ लगाता है तो उसके हाथ को टच होता है और पेन होता है, तकलीफ होती है, कभी कभी उसे पस निकलता है। थर्ड एंड फोर्थ के अंदर क्या होता है, वो खुद जो पाइल्स है वो बाहर आ जाता है, तो वो बहुत कभी उसको सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोग जो पाइल्स में मुबतला है, ऐसे लोग अंजीर का इस्तेमाल करें, ये बेहतरीन दवा है तिब्बी नबूवी की, तो अंजीर का वो इस्तेमाल करें, खब्ज को दूर करें। तो अंजीर सूखी या गीली वाली अंजीर? अगर गीली मिली तो एक फ्रूट खाएं, अगर सूखी मिली तो 5 जो अलग अलग जो पीसेस हैं वो दूध में डाल के 10-15 मिनट छोड़ के उसको भिगा के चबा के उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा इत्रफिल शाहितरा, हब्बे रस्वत, हब्बे मुकील जो बेहतरीन दवाएं हैं जो खाने पे परमानेंट तौर पर पाइल्स अच्छा हो जाता है। और कुछ दवाएं लगाने के लिए भी आते हैं, मरहम दाखिलून के नाम से, वो क्रीम भी अगर लगाएंगे उससे भी काफ़ी हद तक वो फ़ायदा हो जाता है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो शरबत अंजीबार, सफूफ हाबिस, ये दवाएं लेने से ब्लीडिंग भी बंद हो जाती है। गर्ज़ ये है कि पाइल्स का मुकम्मल इलाज यूनानी के अंदर मौजूद है। हाँ, मसाले की चीज़ें ना खाएं, नॉनवेज का कम इस्तेमाल करें, ऑयली चीज़ों का कम इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला पाइल्स 100% अच्छा होने के चांसेस हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़िम, ये थे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर यासिर अराफात। हमने इनके साथ में जितने भी एपिसोड्स किए उसके अंदर कुछ जो लुब्बे लुबाब निकल के बाहर आ रहा है वो ये है कि अगर आपका डेली रूटीन के अंदर आपका डाइट मेंटेन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका डाइट मेंटेन नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। इसमें से जितनी बीमारियों को हमने गिना, जितनी बीमारियों को हमने नहीं लिया, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम डाइट है, एक्सरसाइज का ना करना और जंक फूड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी ये है कि आप हेल्दी फूड खाएं और इस बात का इंतज़ार ना करें कि आपकी दवाएं बाकी चीज़ों की तरह ऑर्गेनिक हो। आपकी दवाइयाँ ऑर्गेनिक पहले से मौजूद हैं यूनानी दवाइयों की शक्ल में। मुझे दीजिए इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। इसी बात पर खालिद खान साइनिंग आउट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें